नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के अंदर किस्से होते हैं, राजनीति के अंदर कहानियां होती हैं, राजनीति के अंदर भूतकाल को लेकर के यानी कि जो पुराना युग था उसको लेकर के और वर्तमान से सबक लेते हुए भविष्य का निर्माण होता है। हरियाणा की राजनीति के अंदर आपको ऐसे कई परिवार मिल जाएंगे कि जिनकी राजनीति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। हरियाणा की राजनीति में और खासकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आपको ऐसे परिवार मिल जाएंगे कि जिनके एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी कि राजनीति की नर्सरी उनकी बनती और पनपती रही। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ और कई क्षेत्रों में ऐसा हुआ कि जब वो राजनीति की नर्सरी के अंदर कुछ इस प्रकार की नस्ल आ गई जिससे कि वो नर्सरी कहीं ना कहीं मुरझाने लग जाती हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसे ही राजनीतिक परिवार की और आपको बताऊंगा कि उस राजनीतिक परिवार से इस 2024 के विधानसभा चुनाव में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन दावेदार हैं, तीन तीन नेता विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं दक्षिण हरियाणा के एक महत्वपूर्ण शहर और पूरे हरियाणा के एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र पलवल के बारे में। पलवल जिसका कि पांडवकालीन इतिहास से लेकर के आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है। पलवल जिसका कि देश की जंगे आज़ादी की लड़ाई में जिक्र मिलता है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने, बापू ने अपनी पहली राजनीतिक गिरफ्तारी पलवल में दी थी। पलवल में उनकी पहली राजनीतिक गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए पलवल कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जो मैं आपको बता रहा था कि राजनीति की नर्सरी या राजनीतिक परिवार बड़े कुनबे, पलवल विधानसभा क्षेत्र में अगर राजनीतिक विरासत देने वाले राजनीतिक परिवार की, राजनीतिक खानदान की बात कहूं तो चौधरी कल्याण सिंह का परिवार, बाबूजी के नाम से मशहूर थे चौधरी कल्याण सिंह, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे थे, जेल मंत्री रहे थे, आवास मंत्री रहे थे चौधरी कल्याण सिंह, बाबूजी के नाम से मशहूर थे अपने पराये सब में। बाबू कल्याण सिंह की राजनीतिक हनक वो थी कि चौधरी देवीलाल रहे हों या राव वीरेंद्र सिंह रहे हों, चौधरी भजनलाल रहे हों या चौधरी बंसीलाल रहे हों, हर राजनेता बाबूजी को, चौधरी कल्याण सिंह को सम्मान की दृष्टि से देखता था। और आप इसी को मान लें कि चौधरी कल्याण सिंह का जब अंतिम दौर चल रहा था या जब उनका देहावसान हो गया तो उसके बाद में हरियाणा के निवर्तमान मुख्यमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे थे कल्याण सिंह के परिवार में और कहा था कि आपके परिवार से मुझे चौधरी कल्याण सिंह का राजनीतिक उत्तराधिकारी दे दीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं उस चौधरी कल्याण सिंह के परिवार की। चौधरी कल्याण सिंह बाबूजी जिनका नाम फेमस था, जो बाबूजी के नाम से मशहूर थे अपने पराये सब में, मैंने आपको बताया वो MLC रहे, नगर परिषद नगर पालिका उस समय हुआ करती थी उसके चेयरमैन रहे, उसकी राजनीति की, पलवल के विधायक रहे, पलवल के विधायक रहते वो चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल की सरकारों में वजीर भी रहे। संयुक्त पंजाब में भी उनका डंका बजता था जब संयुक्त पंजाब एक था, यानी कि हरियाणा पंजाब एक था। 1982 से लेकर 87 तक चौधरी कल्याण सिंह मंत्री, MLA, वजीर सब कुछ रहे और वो दौर था जब उनका राजनीतिक पूरा उफान पर था। उसके बाद में आप चलें तो चौधरी कल्याण सिंह के परिवार की पलवल की जो नगर पालिका, नगर परिषद, जो स्थानीय राजनीति है, शहरी राजनीति है उसमें हो और या फिर चीनी मिल की, कॉरपोरेटिव बैंक की, इन सब में भी चौधरी कल्याण सिंह के परिवार का रुतबा था, उनका दबदबा था, हुआ करता था। चौधरी कल्याण सिंह के बाद में उनकी राजनीतिक विरासत को अगर सही से संभाला, आपको बताऊंगा पूरी बात चौधरी कल्याण सिंह के बारे में, उनकी राजनीतिक विरासत को अगर कोई सही से संभाल पाया तो फिर वो सुभाष चौधरी हुए। सुभाष चौधरी ने विधानसभा के पलवल से विधानसभा के 4 चुनाव लड़े, 2 बार वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और 2 बार इंडियन नेशनल लोकदल के चुनाव टिकट पर चुनाव लड़े, 1 बार विधायक बने, चुनाव जीते वो 1 बार। सबसे पहले मैंने आपको बताया चौधरी कल्याण सिंह का, चौधरी कल्याण सिंह जो मंत्री रहे, वजीर रहे, नगर परिषद की सारी राजनीति के अंदर उनका नाम रहा। चौधरी कल्याण सिंह की राजनीतिक विरासत एक समय तो चौधरी उनके बेटे चौधरी राजेंद्र सिंह, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, कुंवर राजेंद्र सिंह के नाम से मशहूर थे, कुंवर साहब के नाम से अपनों में, राजेंद्र सिंह नगर परिषद के, नगर पालिका के पार्षद बने,
हालांकि वो भी टिकट की दावेदारी करते थे, लेकिन उनकी बात बनी नहीं। चौधरी कल्याण सिंह के दूसरे बेटे चौधरी उदयवीर, उदयवीर जी इंडियन नेशनल लोकदल में ओम प्रकाश चौटाला परिवार के काफ़ी नज़दीक रहे, वो भी चुनावी सियासी लड़ाई के अंदर आए, लेकिन बात चौधरी उदयवीर की नहीं बनी। और उसके बाद में अगर जो चौधरी कल्याण सिंह के जो तीसरे बेटे जगवीर सिंह, उनका राजनीति से कोई खास वास्ता नहीं रहा। चौधरी उदयवीर ने कोशिश की, हरियाणा के चीफ इंजीनियर पद तक वो पहुंचे, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में जन स्वास्थ्य विभाग में हुआ करते थे। अगर आगे चलते हैं तो फिर मैंने जो बताया कि बाबू कल्याण सिंह की जो राजनीतिक विरासत को सही से संभाला तो वो सुभाष चौधरी हुए। सुभाष चौधरी 1987 से लेकर के और 2000 तक स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिका नगर परिषद की राजनीति में सक्रिय रहे, नगर परिषद के चेयरमैन भी बने, और उसके बाद में उन्होंने शुरू किया विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ना। और विधानसभा चुनाव की तरफ चलते हुए 1996 में पहला चुनाव लड़े सुभाष चौधरी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, चुनाव हार गए, बात नहीं बनी। उसके बाद वो एक फिर चुनाव लड़े 2000 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, उस चुनाव में भी हार गए, उसमें भी बात नहीं बनी। उसके बाद 2005 का चुनाव सुभाष चौधरी नहीं लड़े। 2009 में सुभाष चौधरी चुनाव लड़े इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर, विधायक बन गए। और 2014 में सुभाष चौधरी चुनाव लड़े इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर, चुनाव हार गए, तीसरे स्थान पर रहे। यानी कि राजनीतिक विरासत को अगर चौधरी कल्याण सिंह की को संभाला तो उनके भतीजे चौधरी कल्याण सिंह के भाई जो सुभाष चौधरी के पिता चौधरी कुंदन सिंह, उनके बेटे सुभाष चौधरी, और सुभाष चौधरी ने राजनीतिक विरासत को संभाला, एक बार विधायक बने, तीन बार चुनाव लड़ा। चौधरी कल्याण सिंह और सुभाष चौधरी ये दो शख्सियत थी जिनकी बदौलत चौधरी सुभाष आज भी हैं और राजनीति में सक्रिय भी हैं, पूरी तरह से सक्रिय हैं, बताऊंगा आपको उनके बारे में आगे चल के भी। अभी इन दो नेताओं की बदौलत पलवल नगर परिषद की राजनीति में यानी कि स्थानीय राजनीति में डंका बजता रहा, चाहे फिर उसके बाद में कॉरपोरेटिव बैंक की हो, चाहे चीनी मिल की हो। चौधरी कल्याण सिंह के भतीजे और सुभाष चौधरी के चचेरे भाई हैं सचेंद्र सिंह, चौधरी शंकर सिंह BDO हुआ करते थे, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, उनके बेटे सचेंद्र सिंह को भी एक बार 2009 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल का टिकट मिल गया था, लेकिन बाद में सुभाष चौधरी अड़े। सुभाष चौधरी ने अपने पक्ष में लोगों को इकट्ठा किया, परिवार की बैठक हुई, तो सचेंद्र सिंह की दावेदारी पीछे हो गई और सुभाष चौधरी आगे आ गए। सचेंद्र सिंह शरीफ और एक बिल्कुल से आप माने तो शराफत के रूप में काफ़ी अच्छी उनकी पहचान है, उनके पिता स्वर्गीय चौधरी शंकर सिंह की भी पहचान यही थी। तो आपको बताया मैंने कि चौधरी कल्याण सिंह, उनके भाई शंकर सिंह, उनके भाई दूसरे कुंदन सिंह, तीसरे भाई कुंदन सिंह जी के बेटे सुभाष चौधरी विधायक। कुंदन सिंह के पोते आजकल भी पार्षद हैं नगर परिषद में, मयंक चौधरी उनकी धर्मपत्नी पार्षद है। सुभाष चौधरी का जो कामकाज राजनीतिक कामकाज संभालते हैं वो देखते हैं वो मयंक चौधरी हैं, और मयंक चौधरी की धर्मपत्नी निर्विरोध पार्षद बनी थी अब की बार वार्ड नंबर 19 से नगर परिषद में। अगर आगे अब चलते हैं तो चौधरी कल्याण सिंह के एक और भाई थे चौधरी अमर सिंह, उनके बेटे सीताराम और सीताराम के बेटे हैं चौधरी सीताराम के बेटे महेंद्र भड़ाना और रणदीप भड़ाना, ये दोनों नगर परिषद के पार्षद रहे। महेंद्र भड़ाना चर्चा में वहां से आए जब उन्होंने पलवल नगर परिषद के चुनाव में, जब 2005-06 में चुनाव हुआ था नगर परिषद का, उस समय करण सिंह दलाल विधायक थे पलवल के, 2005 के चुनाव में विधायक बने थे कांग्रेस के टिकट पर, और करण सिंह दलाल ने अपने छोटे भाई प्रेम दलाल को नगर परिषद के चुनाव में मैदान में उतार दिया। सामने महेंद्र भड़ाना थे, महेंद्र भड़ाना सुभाष चौधरी के भतीजे चौधरी सीताराम के बेटे, उन्होंने चुनाव लड़ा महेंद्र भड़ाना ने और प्रेम दलाल को पटकनी दे दी नगर परिषद के चुनाव में, जबकि उन्हीं दिनों में करण सिंह दलाल बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। और महेंद्र भड़ाना, एक बार कहूं तो महेंद्र भड़ाना या ये पूरा भड़ाना परिवार, बाबू कल्याण सिंह सुभाष चौधरी का परिवार, राजनीति की मुख्य धारा में फिर शाइनिंग में आ गया। महेंद्र भड़ाना के बाद में रणदीप भड़ाना उनके छोटे भाई हैं, वो भी पार्षद रहे नगर परिषद के। अब अगर आगे चलते हैं तो उनके एक और भाई चौधरी प्रेम सिंह, जिनके पोते हैं पवन भड़ाना, पवन भड़ाना नगर परिषद में तीसरी बार लगातार पार्षद हैं, लगातार तीसरी बार पार्षद हैं।
तो आप माने कि इसलिए मैंने कहा था इस परिवार को राजनीति की नर्सरी, राजनीति की पौधशाला, जिसके अंदर की एक दो नहीं बल्कि कई नेता इस परिवार से निकले। और अगर मैं राजनीति की बात करूं तो परिवार से चौधरी कल्याण सिंह विधायक रहे, सुभाष चौधरी विधायक रहे, और इसके अलावा बाकी मैंने आपको बता दिया कि निकाय राजनीति, ग्रामीण राजनीति, शुगर मिल की राजनीति, कॉरपोरेटिव बैंक की राजनीति, इन सब के अंदर इस परिवार का दखल रहा। और अब 2024 है दोस्तों, 2024 के चुनाव के लिए तैयारियां बड़ी जोरों से हैं। मैं आपको अपने कई वीडियोज में कहा करता हूं कि अगले दो ढाई महीने में, क्योंकि 3 नवंबर को हरियाणा की नई सरकार का गठन हो जाना है, चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि पलवल का ये परिवार, चौधरी कल्याण सिंह, बाबू कल्याण सिंह का परिवार, अब की बार इसमें 3 दावेदार हैं दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए। 3 दावेदार, 3 नेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं चुनाव के लिए। और वो रिश्ते में कहें तो रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। सुभाष चौधरी है इसके अंदर, सुभाष चौधरी के भतीजे हैं महेंद्र भड़ाना, और सुभाष चौधरी के भतीजे ही हैं पवन भड़ाना। चौधरी कल्याण सिंह बाबू कल्याण सिंह के पोते हैं महेंद्र भड़ाना, बाबू कल्याण सिंह के पोते हैं पवन भड़ाना, और बाबू कल्याण सिंह के भतीजे हैं सुभाष चौधरी। ये तीनों लोग अब की बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सुभाष चौधरी भारतीय जनता पार्टी में थे, 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उनको बीजेपी का टिकट मिला नहीं, दीपक मंगला को टिकट मिल गया था। सुभाष चौधरी भारतीय जनता पार्टी में कभी हाँ कभी ना करके चलते रहे। और फिर अभी जब हाल का लोकसभा चुनाव आया, तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुभाष चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया। हालांकि अभी किसी पार्टी में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन चुनाव में उन्होंने जो मदद की, जो समर्थन दिया, वो दिया महेंद्र प्रताप को। चौधरी महेंद्र प्रताप जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको सुभाष चौधरी ने समर्थन दिया। हालांकि तमाम प्रकार की बातें कही जाती हैं, लेकिन मैं उनमें किसी में नहीं जाऊंगा। सुभाष चौधरी ने महेंद्र प्रताप जी को समर्थन दिया और इस समय किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन सुभाष चौधरी आजकल रोज लगभग 50-40 किलोमीटर का सफर करके लोगों से मिलते हैं, और मेरी भी उनसे परसों टेलीफोनिक बात हो रही थी देर रात के समय। तो सुभाष चौधरी कह रहे थे कि चुनाव तो लड़ना है, राजनीतिक दल कौन सा होगा। मैं उनसे मजाक में कह रहा था कि क्या कांग्रेस की 20,000 रुपये की पर्ची कटवा ली, तो बता रहे थे कि अभी पर्ची पुर्ची तो कोई कटवाई नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ही अपने नज़दीकी लोगों की बैठक करके तय करेंगे। तो पहले दावेदार तो हुए सुभाष चौधरी, सुभाष चौधरी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना तय है। दूसरे दावेदार हैं पवन भड़ाना, पवन भड़ाना भी भारतीय जनता पार्टी में ही है कहने के लिए, तो आज भी इसलिए कह रहा हूं कहने के लिए, क्योंकि उनके मैं झंडे बिल्ले पोस्टर वोस्टर देखता हूं तो उसमें किसी का कोई दिखाई नहीं देता, केवल अकेले अपना पवन भड़ाना का फोटो हुआ करता है। अभी उन्होंने कल ही यानी कि 26 तारीख को अपने कुछ गाड़ियों लेकर के, लाभ लश्कर लेकर के, एक अपना लोगों के साथ डोर टू डोर मिलने जुलने का कार्यक्रम शुरू किया। मेरी पवन भड़ाना से भी बात हो रही थी, तो पवन भड़ाना कह रहे थे कि ये चुनाव लड़ना है, विधानसभा का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। इवन इतना ही नहीं, पवन भड़ाना तो कह रहे हैं कि चाहे सामने भैया आए या चचा, चुनाव मैदान में उतरूंगा, चाहे भाई आ जाए चाहे ताऊ सामने आ जाए, चुनाव मैदान में तो ताल ठोकनी है। ये दूसरे नेता हैं। तीसरे नेता हैं महेंद्र भड़ाना, आजकल भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं। अभी तक तो उनके झंडे पोस्टर दिखाई नहीं दे रहे थे, आज मैं जब राष्ट्रीय राजमार्ग से निकल रहा था तो उनका भी एक फ्लैक्स बोर्ड पर नजर पड़ गई, महेंद्र भड़ाना का फोटो लगा है, साथ में उनके भाई रणदीप भड़ाना, रन्नू का फोटो लगा हुआ था। और महेंद्र भड़ाना ने भी लिख दिया विधानसभा क्षेत्र पलवल, यानी कि दावेदारी उनकी भी पक्की है। हालांकि महेंद्र भड़ाना दावेदारी तो बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन अब वो फ्लेक्स भी सामने आ गया। तो तीसरे दावेदार महेंद्र भड़ाना, महेंद्र भड़ाना भी निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे या नहीं अभी कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि दावेदारी भी कर रहे हैं। जब दावेदारी कर रहे हैं तो मैदान में सामने आ गए। अब मैं जो आपको बता रहा था कि राजनीति के अंदर परिवार, और मैंने राजनीति की नर्सरी, पाठशाला, ये सब आपसे बात कर रहा था दोस्तों, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, चौधरी देवीलाल का परिवार है जो अलग अलग हो गया, और वो परिवार जो राजनीति के अंदर यानी कि सत्ता के शीर्ष केंद्र तक पहुंचने की जिसकी बात थी 2019 के चुनाव में, लोग कहा करते थे कि 2019 में इनेलो सरकार में आ सकती है, लेकिन जब वो दोनों परिवार टूट गए तो एक तरफ अभय सिंह चौटाला तो इकलौते विधायक रह गए, और दुष्यंत चौटाला अपने साथ
कुनबा जोड़ करके यहाँ वहाँ से जहाँ से भी लोग आए उनको जोड़ करके इकट्ठा किया, सरकार के सहयोगी बन गए। पौने चार पाँच साल तक तो ठीक ठाक खूब मज़े आ गए, लेकिन अब राजनीति के मैं अगर ये कहूँ तो बुरे दौर में है जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला, चौटाला डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का परिवार। वही मैं जोड़ रहा था पलवल को लेकर के कि जब ये परिवार इकट्ठा अगर था, क्योंकि पिछले चुनाव तक भी भले ही थोड़ी बहुत बात रही हो, लेकिन बात ये आ जाती थी कि ये कई पार्षद बनते रहे, विधायक बनते रहे, सब कुछ होता रहा। लेकिन अब की बार जो दिखाई दे रहा है ऐसे भी मौके कई हैं कि जब ये जो चौधरी बाबू कल्याण सिंह परिवार के जो तीनों राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने के लिए, यानी कि सुभाष चौधरी, महेंद्र भड़ाना, पवन भड़ाना जो चुनाव मैदान में आने की बात है, कई लोग तो यहां तक भी बताते हैं कि अब तो भाषा का स्तर भी बदल गया है। अगर ऐसा है तो फिर ये बात जरूर, मैंने इसलिए आपसे आज शेयर करने के लिए वीडियो बनाया आपके साथ में, जो हमारे पलवल के दर्शक हैं, फरीदाबाद के दर्शक हैं, या फिर जो पूरे हरियाणा में खासकर अगर किसी समुदाय समाज से विशेष से हैं, वो जरूर जानते होंगे चौधरी कल्याण सिंह का, बाबू कल्याण सिंह का नाम रहा है किसी समय देश की और हरियाणा प्रदेश की गुर्जर राजनीति के अंदर। लेकिन अब अगर एक ही परिवार के तीन नेता अगर चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए आमने सामने होंगे, तो सवाल मैं आपके सामने वही छोड़ रहा हूं कि क्या ये राजनीति की नर्सरी आगे भी पनप पाएगी? क्या इन तीनों नेताओं में से, यानी कि सुभाष चौधरी, पवन भड़ाना और महेंद्र भड़ाना, क्या आपको लगता है कि चुनाव मैदान में कौन दिखाई दे सकता है? क्या परिवार, ये परिवार जो है आपस में बैठकर अब की बार भी, क्योंकि 2009 के चुनाव में इनमें कोई सुलह हो गई थी, फैसला हो गया था, जिसमें कि सुभाष चौधरी मैदान में आ गए थे और महेंद्र भड़ाना और सचिंदर सिंह पीछे हो गए थे, तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या हो सकता है? खासकर जो हमारे पलवल फरीदाबाद के दर्शक हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।